अन्न दोष भी एक खतरनाक दोष है। बड़े बड़े महात्मा को भी पटक खाने लगा देते हैं थोड़ा अन्न दोष के कारण। ऐसे ऐसे दूषित अन्न है जिस अन्न खाने से मन तुरंत दूषित हो जाता है, ऐसे बहुत प्रमाणित है। अन्न दोष तीन प्रकार, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष है प्याज, लहसुन आदि सब अपवित्र वस्तु, मीन मछली आदि। आश्रय दोष है दुर्जन के द्वारा बनाया हुआ वस्तु, परिवेशन किया हुआ वस्तु, परोस किया हुआ वस्तु। दुर्जन है, काम क्रोध रिपु से ताड़ित है, भजन भजन करता नहीं है, मन बहुत दूषित है। वो परिवेशन करने से, उनका हाथ का वस्तु लेने से भी आपका मन दूषित हो जाएगा, इतना सूक्ष्म क्रिया है। फिर दुर्जन के द्वारा बनाया हुआ परिपक्व रसोई किया हुआ, ऐसा ऐसा वस्तु ग्रहण करने से मन दूषित हो जाता है। फिर पैसा, अगर एक सुंदर अच्छा पैसा ना हो, जो पैसा हमने कमाया वो सही ढंग से सत्य उपाय से वो पैसा हमको उपार्जित होना चाहिए, ये नहीं चोरी करके, ठग करके, छल करके, कपट करके, इस तरह के उपाय के द्वारा पैसा कमाए हैं और मन में तो भय है, भाई हमने तो बहुत पाप किया है तो क्या करेंगे, चलो कुछ साधु सेवा में लगा दो जिससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा भय। ऐसा भी है, बहुत सारे सेठ है, बहुत सारे करोड़ों रुपया कमाया, दो नंबर का उपाय से कमाया, तो चलो भाई कुछ साधु सेवा कर दो इससे हमारा पाप जो है नष्ट हो जाएगा। पहले तो उसका अधिकारी नहीं है वो पैसा लगाना, क्योंकि उसका कमाया हुआ धन नहीं है, उसका कमाया हुआ सरल उपाय से कमाया हुआ धन नहीं है, वो तो चोरी किया हुआ धन है, वो तो उसका धन है नहीं। भरतपुर के राज रानी आए थे हमारे सिद्ध बाबा के पास, उनका नाम है कृष्णदास सिद्ध बाबा, सिद्ध आए थे, बोलते बाबा हमको कुछ सेवा बताइए। बोलते माँ सेवा तो हमको नहीं चाहिए, ना ऐसा कुछ सेवा बताइए जो आपके लिए संभव है, छोटा मोटा कैसे भी सेवा हो, मेरी बड़ी इच्छा है आपकी सेवा में हमारा थोड़ा परिश्रम का पैसा जो है वो लग जाए। बोलता तुम राजघराने के हो, तुम्हारा परिश्रम का पैसा कहाँ से आया, ये तो प्रजा का धन है, ये तो तुम्हारा है नहीं। तो राज रानी रो दिया, भरतपुर की रानी थी, रो दिया। तो बाबा क्या हम साधु सेवा करने का हमारे कोई अधिकार है नहीं, तो हमारे जीवन वृथा जाएगी, क्या हम साधु सेवा कर नहीं पाएंगे। बोलता है अगर साधु सेवा करना चाहते हो तो तुम एक कष्ट करो, तुम्हारा अंदर तुम्हारी जो श्रद्धा है उस अनुसार मैं कह रहा हूँ, एक काम करो, तुम करोगे। बोलते हाँ करेंगे। बोलता है तुम्हारे गौशाला है, बोले हाँ गौशाला है, तो गौशाला में सुबह उठ करके गोबर बीनो, गोबर बीन करके कांडा थापो, कांडा थाप करके वो कांडा को सुखाओ, सुखा करके उसको बेचो, बेच करके वो पैसा रखना, एक संचित करना एक स्थान पर, फिर जितना महीना में, दो महीने में, छह महीने में जब कुछ धन संचित हो जाएगा उस धन को लाके हमको देना, तो हम तुम्हारे पैसा परमार्थ सेवा में हम लगा देंगे। तो ऐसे ही किए, ऐसे ही राजघराने को राज रानी थी, लेकिन मन में बहुत शुद्धा प्रकृति की थी, तो ऐसे ही किए। शुद्ध बाबू उस पैसा लेकर ब्रजवासी को दे देते थे, चलो जो ब्राह्मण पंडित है जो है सज्जन है उनका तो कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा है ना। इसको कहते हैं आश्रय दोष। सिर्फ अच्छा सुंदर भोग लगा, पवित्रता से भोग लग गया, ऐसा होने से ही मान ले दोष वर्जित होगा नहीं, वो पैसा जो शुद्ध पैसा होना चाहिए, कमाई का परिश्रम का पैसा होना चाहिए, नहीं तो वो पैसा पवित्र नहीं माना जाएगा। इसको कहते हैं आश्रय दोष। तो जाति दोष और ये आश्रय दोष, तीन दोष वर्जित होना चाहिए। दुर्जन के द्वारा परिवेशित, परिपक्व और असद उपाय वर्जित पैसा, ये वर्जित होना चाहिए, नहीं तो आश्रय दोष आकर के तुम्हारा मन को दूषित कर देगा। एक सत्य घटना है बांग्लादेश में, एक ब्राह्मण, जजमान ब्राह्मण कहते हैं हमारे बांग्लादेश में,
जजमान माने वो श्राद्ध पूजा आदि ये सब करते रहते हैं, श्राद्ध आदि कर्म जो भीत पुनमी जो मिलता है वही ला करके उसके द्वारा निर्वाह करना। ये जजमान ब्राह्मण का अन्न दूषित है ये हम लोग मानते नहीं है, ये उनका घर में खाना निषिद्ध माना गया है जजमान ब्राह्मण। लेकिन है धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके घर में मंदिर था, ठाकुर जी का मंदिर, सुंदर मंदिर, सेवा पूजा करते हैं। तो एक दिन एक साधु जाके वहाँ दिखते हैं, बड़ा मंदिर है, सुंदर है, जा करके दंडवत प्रणाम किए, पंडित जी पंडित जी तो यहाँ थोड़ा सा स्थान मिल जाएगा हमको रात रहने के लिए। तो देखते हैं संत है, बोलते हैं अच्छा बहुत सुंदर, अच्छी बात है, हमारी सौभाग्य है, आप रह जाइए। कहाँ रहेंगे? नहीं, हमारे लिए एकांत तो स्थान चाहिए, चलिए आप मंदिर में रहिए। तो मंदिर में ठाकुर जी का कुछ गहना था, सोने का मुकुट उकुट ये सब, तो प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। रात को ब्राह्मण ने सोचा साधु है, मंदिर में रहेंगे, क्या है, साधु है, त्यागी है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। रात ही रात में क्या किया, सब गहना को इकट्ठा करके पोटली बांध करके एकदम सीधा भाग गया। भागते भागते सवेरा हो गया, सवेरा हो गया तो उसका बुद्धि अचानक ठीक हो गया। जे भाई ये मेरी बुद्धि जो है ये भ्रष्ट कैसे हो गया, हमने तो जीवन में कभी चोरी नहीं की, आज हमारा मन में ऐसे इच्छा ऐसे प्रवृत्ति जागृति कैसे हुई है, कौन सा अपराध के कारण? ये तो चिंता का गम में आए, हम साधु हैं, घर छोड़ के आए भजन करने के लिए, और वो भी चोर जो वृत्ति, हम चोरी किए हैं, रोना शुरू कर दिए रास्ते के बीच में, वहाँ हाय हाय हम हमारी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई, तो अब क्या किया जाए? नहीं चलो जाके तुम्हारा पाप के साजा तुमको भोगनी चाहिए, वहां जाके उनको दो, उन लोग खूब पिटाई करेंगे तुमको, उसको सहन करो, ये तुम्हारे लिए साजा है। मन ही मन सोच रहे हैं नहीं हम जैसे दुष्टन के लिए, हम तो भजन गण के लायक नहीं है, हम तो साधु नहीं है, हम तो एक चोर है, तो चोर के लिए ये सजा होनी चाहिए। चलो पुटली लेकर के सीधा आ रहे हैं पंडित के ब्राह्मण के घर, जिस घर में रात को शयन किए। और उधार तो सब लोग जन इकट्ठा हो गया, अरे तो साधु नहीं तो चोर था, पंडित जी के घर में सब चोरी हो गया, चोरी करके ले गया, ऐसा भीड़ सब इकट्ठा हो गया। ये तो देखते हैं साधु बाबा आ रहे हैं पुट्टी लेकर के, तो सबको कहते हैं भाई मारो मारो, वो आ गया, ओई 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 सही चोर बाबा आ गया है, उसको मारो पीटो। तो ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो आज अब रहे हैं कोई कारण जरूर है, तो सब सामने आए हैं। तो बोलते हैं अच्छा ये बताओ, बड़े नाराज हो गया वो ब्राह्मण को कहते हैं, ये बताओ तुम जो हमको अन्न खिलाए थे वो अन्न तुम कहां से लाए थे, और वो व्यक्ति क्या काम करता है? तो खबर लिया जो वो जिसका जजमान ब्राह्मण तो हर जगह हम जाते हैं वहां पूजा नित्य कर्म करते हैं, तो वहां जाके एक चोर के घर वो चोरी करता है, चोरी किया हुआ उसका चावल था, एक बोरी चावल दे दिया, वो चावल लेके चला आया है, तो खबर लिया बोलता है जो ये तो चोरी करके लाया था ये, तो बहुत डांटा जी तुमने हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, तुम्हारे कारण हमारा साधुता समाप्त हो गया, आज हम एक चोरी किया है, हम इतना नीच प्रवृत्ति हमारे आई कैसे है, तो तुम ही हमारा बुद्धि को खराब किए हो, तुम ऐसे दूषित अन्न हमको खिला दिया, बोल के रोना शुरू कर दिए है। सत्य घटना है, इसको कहते हैं अन्न दोष, आश्रय दोष। हम लोग आजकल तो जहां तहां जो शुद्ध प्रवृत्ति की जो है जो वो तो चाहते हैं हमारा भजन बढ़े, जहां तहां खाएंगे नहीं, लेकिन किसी ने प्रसाद कह करके दे दिया, प्रसाद लो, प्रसाद खा लिया, ऐसा नहीं होता है। किनका ले करके उसको मस्तक में धारण करा करके पानी में दे दो, भैया जीवा में थोड़ा सा किनका पानी में दे दो, ऐसा होना चाहिए। तो इसको कहते हैं आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। निमित्त दोष है बढ़िया वस्तु है, रोषे अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है,
भोग लगाएंगे, लेकिन वहाँ मक्खी गिर गया, छपकली गिर गया, किसी ने झूठा हाथ से छू दिया है, किसी का मैला गिर गया, कहीं झाड़ू लगा रहा है वो धूल आकर गिर गया, तो वस्तु अच्छा था लेकिन ये निमित्त बन गया है, खराब बन गया है, इसको कहते निमित्त दोष। ये तीन दोष वर्जित होना चाहिए प्रसाद के लिए। सबसे सुंदर है सब अपना घर में अपना जो शुद्धता के साथ अपना सोप अर्जित अर्जित पैसा से जो भोग लगता है ये सर्वोत्तम है। और ऐसा कहीं मिल जाए तो साधु का अन्न भी हर समय शुद्ध नहीं होता है। हम साधु हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ से कौन पैसा दे जाता है, किसका पैसा है, बाबा एक बोरी चावल लाए हैं, बाबा इसको लगा दीजिए सेवा में, हम तो उसी को सेवा में लगाएंगे ना, लेकिन वो पैसा ना जाने वाले आश्रय दोष लग गया कि नहीं, कौन सा दोष दूषित है ये कैसे जानेंगे हम। ये तीन दोष वर्जित होना चाहिए, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। बाहर के खाना पीना, जहाँ तहाँ खाना पीना, फिर बहुत कठिन है, जैसे हमारा भजन होता क्यों नहीं है, गृहस्थी लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं होता, मन नहीं लगता है, होगा कैसे, जहाँ तहाँ ये जो बफर सिस्टम है ये क्या है, एकदम मुसलमान जैसे भोजन है, कोई झूठा मूठा ये नहीं है, साधु अब भजन करने आए हैं, आपको भजन करने की इच्छा है, आपको निमंत्रण किया, कोई रिश्तेदारी में आप गए और वहाँ बफर सिस्टम हो, सब झूठा मूठा वो हाथ से ले रहे हो, खा रहे हैं झूठा मूठा, वो पवित्र ना भोग लगा है ना जो बनाया है उसको शुद्धता से बनाया है। हाँ कहीं कहीं तो थोड़ा भोग भी लगा देते हैं, तुलसी छोड़, अच्छा लीजिए तुलसी छोड़ देते हैं, वो भोग थोड़ी हुआ है, ऐसा वस्तु ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, हम तो हाँ तुलसी छोड़ दिया भोग लग गया, चलो हमको भी ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी जाते हैं किसी भक्तों के घर, भाई काजू बाजू पिस्ता किशमिश आम जाम कटहल सब धर दिया एकदम टेबल के ऊपर भर दिया, बाबा भाई अरे तुमने भोग लगाया, भोग तो नहीं लगाया, अरे तो ये हम कैसे खाएंगे, अच्छा तुलसी पत्ता ले आओ, तो कहीं से ढूंढ डर गया तुलसी पत्ता नहीं छोड़ दिया। ये कोई भोग होता है, इसको भोग कहता है, तुलसी पत्ता छोड़ दिया उसको, फिर क्या करेंगे, बांट देते हैं लेकर टेका करेंगे, आश्रय दोष। निमंत्रण भंडार आदि खाना संपूर्ण वर्जित कर सकते हैं, भजन करना चाहते हैं, शुद्ध अंतकरण वृत्ति गठन के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है, जहां तहां पाया और खा लिया, हाँ किनका मात्र लो, किनका मात्र लो।